आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों आज से हम एक नए सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिकल सीरीज। और इस मेडिकल सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड, जो आपका NDA या फिर CDS जो भी आपका मेडिकल होने वाला है। जैसा कि अभी आपका एग्जाम 10th of April को फिनिश हुआ है, तो आपको इसका जो मेडिकल क्राइटेरिया है, या NDA एंट्री हो या CDS एंट्री हो, कोई भी डिफेंस एग्जाम के थ्रू आप जा रहे हैं, तो आपको इस मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि आप अपने आप को खुद से जान सको कि क्या आपका वेट क्या है, क्या आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं, ताकि आप अभी से ही इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप SSB में रिकमेंड हो जाएंगे और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल में आपको अनफिट या टेम्पररी अनफिट, परमानेंट अनफिट इस टाइप का केस आपको देखने को नहीं मिले, ताकि आप अभी से ही अपने डाइट पे, अपने फिजिकल वर्कआउट पे, ये सब पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। ये जब ही आप करेंगे, जब आपको इसके बारे में इसका क्राइटेरिया पता होगा कि क्या हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैं इंडिविजुअली आपको आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए जो आपके नोटिफिकेशन में आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये NDA का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, NDA 1 2022 का। और उसी नोटिफिकेशन में जब आप ये पेज नंबर 38 पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको इसके मेडिकल के बारे में एक जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट ज्वाइनिंग NDA। सो यहाँ पे फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। और सिमिलरली अलग अलग सर्विस में आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और सिमिलरली नेवी के लिए, तीनों के लिए यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो अपने हिसाब से आप इस वीडियो में अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आर्मी NDA वुमेन एंट्री, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारे आपके एज इन ईयर्स हैं, ये आपके हाइट हैं, और उसी के अनुसार से ये आपके वेट हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि आपका एज, अगर आप NDA के लिए अपीयर हो रहे होंगे, तो आपका एज इस कैटेगरी में आता होगा 70 to 20 ईयर्स के कैटेगरी में, तो आप ये वाले चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, मान के चलिए आपका हाइट है 163 सेंटीमीटर, मान के चलिए आपका हाइट है, तो आपका मैक्सिमम वेट 58.5 होना चाहिए। अगर आपका वेट 58.5 से ज़्यादा है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हों, फिर 58.5 kg से ज़्यादा है, तो आप अभी से इस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको मेडिकल के टाइम में कोई परेशानी नहीं आने वाला है। ये है आपका मिनिमम वेट और ये है आपका मैक्सिमम वेट। मिनिमम मतलब आपको 47.8 kg आपको मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे कम होंगे, तो आपको अपने डाइट पे वर्कआउट करना है, या फिर अगर आप 58.5 से ज़्यादा है, फिर आपको फिजिकल एक्टिविटी या कुछ ऐसे एक्टिविटी पे वर्कआउट करें, ताकि आपका वेट कम हो जाए। सो इसी पर ये आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं। वैसे ये चार्ट आपको NDA 1 2022 के नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये था फीमेल के लिए अपने अपने हाइट के हिसाब से अपना मिनिमम वेट, ये रहा, ये आपका कंप्लीट मिनिमम वेट है। इसके अलावा ये आपका वेट है 17 टू 20 ईयर्स के बीच। अगर आपका एज 20 प्लस है, मतलब 20 टू 30 ईयर्स के बीच में है, मतलब मान के चलिए आप CDS एंट्री के थ्रू जा रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप इस चार्ट को फॉलो करें, 20 टू 30 ईयर्स वाले एज ग्रुप में आप आएंगे। और ये जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है, ये चार्ट बॉडी मास इंडेक्स, जो आपको पता है BMI को देख कर प्रिपेयर किया गया है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है वेट बाई, आप अपने वेट को अपने हाइट को मीटर में, हाइट इन मीटर से डिवाइड करेंगे, तब आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। मान के चलिए आपका वेट 58 kg है और आपका हाइट 1.65 मीटर है, तो आप अपने वेट बाई हाइट स्क्वायर 1.65 टू द होल स्क्वायर जब आप इसको निकालेंगे, तो एक यूनिट आएगा, वही यूनिट आपका हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ मोर देन 25, दैट मीन्स यू आर ओवरवेट, आपका बॉडी मास 25 से कम होना चाहिए। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसी नोटिफिकेशन में मेंशन है। और हाइट में कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द एंट्री इनटू आर्म फोर्सेस फॉर द फीमेल कैंडिडेट इज 152 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152 से कम आप एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन कुछ छूट है, गोरखास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द हिल्स, अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट 148 सेंटीमीटर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब हिली एरियाज के लिए मिनिमम हाइट है 148 सेंटीमीटर,
किलोमीटर, और बाकी लोगों के लिए अगर कोई अदर पार्ट ऑफ द रीजन से बिलोंग करते हैं, मान के चलिए यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं या कोई और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम का यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जब आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए, मान के चलिए आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, तो इस केस में आपका हाइट मिनिमम 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान के चलिए आप एयरफोर्स फर्स्ट चॉइस फिलअप किए हैं, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो इस केस में 163 सेंटीमीटर मतलब 1.63 मीटर आपका मिनिमम हाइट होने वाला है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बॉडी मास क्राइटेरिया वाला, ये जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है वेट और हाइट वाला चार्ट, ये चार्ट बॉडी मास इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। बॉडी मास का फॉर्मूला होता है अपने वेट डिवाइडेड बाई हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके उसके होल स्क्वायर कर दीजिए, जो यूनिट आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25 से कम होना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा आ रहा है, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करें और आप इस वीडियो के वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा कि क्या आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं। इसीलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स जरूर कैलकुलेट करें और इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। इसके अलावा यहां पे वेस्ट हिप रेशियो शुड बी 0.94 मेल एंड 0.8 फॉर द फीमेल, वेस्ट सर्कमफेरेंस शुड बी 90 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 80 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। तो ये सारा था, आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आर्मी एंट्री मेल कैंडिडेट के लिए, जो पिछला चार्ट था वो चार्ट था फीमेल कैंडिडेट के लिए और ये चार्ट है मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारे आपके हाइट के चार्ट हैं। इसके अलावा ये मिनिमम वेट है और ये वेट है आपका एज के हिसाब से। आप मान के चलिए आपका हाइट हो 170 सेंटीमीटर इन द सेंस 1.7 मीटर, तो इस केस में आपको इसी चार्ट को फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 170 सेंटीमीटर वाला चार्ट यहाँ है, तो इस केस में मान के चलिए आपका एज कैटेगरी है 17 टू 20 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप NDA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज कैटेगरी ये होने वाला है, या फिर अगर आप CDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज कैटेगरी ये होने वाला है। तो अब आप NDA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 70 टू 20 ईयर्स ऑफ वाले एज कैटेगरी में आप देखेंगे, अगर आपका 1.7 मीटर हाइट है मतलब 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो आपका मिनिमम वेट कम से कम वेट 52 केजी होना चाहिए और मैक्सिमम वेट जो आपका अधिकतम होना चाहिए वो 63.6 होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए अगर आप NDA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप CDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वेट 66.5 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो ये तो था जानकारी आपके NDA और CDS के लिए। आप अपने अपने हाइट के हिसाब से इस वेट और हाइट वाले चार्ट से अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या आप फिट हैं या फिर अनफिट हैं, और आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें कि आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, तब मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा कि क्या आप फिट हैं या फिर नहीं हैं। तो ये तो था आर्मी के लिए मेल कैंडिडेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 210 सेंटीमीटर तक हाइट तक का चार्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये आपको NDA 1/2022 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में आपको ये चार्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम कैसे बॉडी मास इंडेक्स शुड बी बिलो 25, और इसके बाद यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। मिनिमम हाइट फॉर द मेल कैंडिडेट इज़ 152 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए मिनिमम हाइट था 152, लेकिन मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। लेकिन जो लोग हिली एरियाज से या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, तो उन लोग के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट, ये आपको पता होना चाहिए। 152 सेंटीमीटर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू द हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कुमाऊं रीजन, सो उस केस में आप 152 सेंटीमीटर के हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड या फिर हरियाणा, राजस्थान, इस सारे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका हाइट मिनिमम कम से कम आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द ऑफिसर्स मेल एंड फीमेल एंट्री फॉर द नेवी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहला रो में आपको हाइट इन मीटर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको एज देखने को मिल जाएगा, अप टू 17 ईयर्स, 17 टू 18 ईयर्स, 18 टू 20 ईयर्स, 20 टू 13 ईयर्स एंड
एंड अबव 30 ईयर्स, और इस केस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वेट देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए आपका हाइट 1.6 मीटर है, मतलब 160 सेंटीमीटर है, तो इस केस में अगर आप 17 एंड बिलो है, 17 साल से कम है, तो आपका मिनिमम वेट 44 एंड मैक्सिमम वेट 54 होना चाहिए। और अगर आप 17 टू 18 ईयर्स वाले कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, तो आपको मिनिमम वेट 47 और मैक्सिमम वेट 54 होना चाहिए। अगर आप 18 टू 20 ईयर्स वाले एज कैटेगरी में बिलोंग हो रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेट 47 और मैक्सिमम वेट 56 होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया नेवी के लिए है, स्पेसिफिकली फॉर द नेवी। आर्मी के लिए क्राइटेरिया अलग था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इस केस में आपको नेवी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप आइदर इस कैटेगरी में फॉल होंगे या फिर इस कैटेगरी में फॉल होंगे, कुछ लोग इसमें भी फॉल हो सकते हैं। और अगर आप सीडीएस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीडीएस एंट्री वाले 22-30 इयर्स वाले एज क्राइटेरिया में बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट देख सकते हैं। ये नेवी के लिए होने वाला है, ये आर्मी और एयरफोर्स के लिए नहीं है, ओनली फॉर द नेवी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें अपना बॉडी मास इंडेक्स और अपना वेट और हाइट, ताकि मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे सकूँ क्या आप फिट हैं या फिर आपको वर्कआउट करना चाहिए। ये जो बॉडी मास इंडेक्स बनाया गया है, ये भी आपका मैक्सिमम 25 होना चाहिए। 25 के ऊपर आपका बॉडी मास इंडेक्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, मतलब वेट बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, 25 से प्लस आ रहा है, तो आप अपने फिजिकल पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। तो ये तो था मेल कैंडिडेट के लिए, बॉडी मास इंडेक्स शुड बी नॉट मोर देन 225, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ट्राइबल एरिया या फिर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अंदमान और निकोबार लक्षद्वीप वाले उस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम हाइट 155। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर गोरखास, नेपालीज, असामीज, गढ़वाली, कुमाऊं या फिर उत्तराखंड वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट वो मिनिमम 152 होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और फीमेल के लिए एक स्पेसिफिक है, यहाँ पे भी बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल के लिए भी आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइट चार्ट, अगर आप ट्राइबल एरिया या फिर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका कम से कम 150 सेंटीमीटर, या फिर अगर आप अंदमान निकोबार एरिया, लक्षद्वीप एरिया, मिनिकॉय आइलैंड वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा जब आप हिली एरिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गोरखास, नेपालीज, असामीज ये रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका कम से कम 147 सेंटीमीटर। ये फीमेल के लिए है मिनिमम क्राइटेरिया, और ये मेल के लिए है मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये मिनिमम होने वाला है, लेकिन अगर आप इस रीजन से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 152 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल। अब हम आ गए हैं एयरफोर्स के मेडिकल क्राइटेरिया हाइट एंड वेट को लेकर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 10% वेरिएशन ऑन द हायर साइड ऑफ एवरेज एक्सेप्टेबल। जो यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट आप यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे एज है, और ये कंप्लीट आपका वेट का चार्ट है। आप इसमें 10% एक्स्ट्रा वेट अपना ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर वेट आपका नहीं होना चाहिए। मान के चलिए आपका वेट है, आपका हाइट 165 मीटर है, और आपका एज 17 टू 18 इयर्स वाले कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, तो आपका मिनिमम वेट 52 केजी होना चाहिए, और मैक्सिमम वेट आप यहां को देख सकते हैं 10%, आप मतलब 52 का अगर 10% लेंगे तो 5.2 केजी, मतलब आपका मैक्सिमम वेट 57.2 केजी होना चाहिए और मिनिमम वेट आपका 52 होना चाहिए। सिमिलरली मान के चलिए आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, और आपका एज क्राइटेरिया हो रहा 18 टू 90 इयर्स में, तो आप अपने हिसाब से आप यहां पे देखें मिनिमम वेट आपका 56 होना चाहिए, और मैक्सिमम वेट 56 प्लस 5.6, मतलब आप यहां पे देखेंगे तो 62.5 केजी, मतलब आपका मैक्सिमम 62.5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 62.5 से ज्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। आप इस वीडियो के में कमेंट में कमेंट करें आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, और आपका जो एंट्री है आर्मी है, नेवी है या फिर एयरफोर्स है, ताकि मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ये तो था बोथ, ये था मेल के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए भी सेम क्राइटेरिया होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाइट है, ये आपका एज लिमिट है, ये आपका
चार्ट है, वेट का चार्ट। मान के चलिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट है और आपका एज कैटेगरी 17 टू 18 ईयर्स वाले एज कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेट 48 होना चाहिए और मैक्सिमम वेट 48 प्लस 4.8 मतलब 10%, 48 का 10% 4.8 मतलब आपका मैक्सिमम 52.8 होना चाहिए और मिनिमम 48 होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया हूँ अलग अलग एंट्रीज के, आर्मी के थ्रू, नेवी के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, कि आपका हाइट वेट क्या होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए, 25 से ऊपर आपका बॉडी मास इंडेक्स नहीं होना चाहिए, और मिनिमम वेट मैक्सिमम वेट अलग अलग कैटेगरी आर्मी के लिए, नेवी के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए 17 टू 18 ईयर्स, 18 टू 19 ईयर्स, 19 टू 20 ईयर्स, जो भी एज कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे हाइट चेक करें ताकि आप अपना जो आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, आपका हाइट इज टू वेट है, आप अपने आप को चेक कर सकें क्या आप मेडिकली फिट हैं। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आप अपने आपको वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें। आगे आने वाले वीडियो में, इसी मेडिकल सीरीज वाले वीडियो में, मैं आपको आई को लेकर एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आपका आई पावर क्या होना चाहिए। एयरफोर्स में कुछ लोग का डाउट रहता है कि उनका प्लस 4 है या फिर माइनस 2 है, प्लस 2 है, तो क्या वे एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इसी प्रकार से लगातार मेडिकल सीरीज में आप हमें इस चैनल को सपोर्ट दें, यहाँ पे मैं आपको लगातार मेडिकल सीरीज वाले वीडियो लाता रहूँगा। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड, थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।